हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में माइनक्राफ्ट 1.18 के कुछ ऐसे फीट्स बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम है, और ये बेडरॉक और जावा दोनों एडिशंस में अच्छे से काम करते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सीड नंबर 1। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला सीड। और जैसे ही आप इस सीड में वर्ल्ड को क्रिएट करोगे, आप सीधा यहाँ पे इन फूलों के पास स्पॉन हो जाओगे। स्पॉन होने के बाद आपको पीछे एक पहाड़ी दिखेगी और आपको यहाँ से ऊपर चले जाना है। और जैसे ही आप ये पहाड़ी के पास ऊपर पहुँचोगे, आपको यहाँ पे एक वैली देखने को मिलेगी, और इस वैली के बीच में आपको एक लेक देखने को मिलेगा। और ये जो लेक है, ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है। और आप यहाँ पे अपना किंगडम भी बना सकते हैं, और यहाँ पे पास में ही एक केव भी है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और आप उस केव से डायमंड्स भी ले सकते हो। सीड नंबर 2। सो गाइस, ये रही हमारी दूसरी सीड। और जैसे ही आप इस सीड में वर्ल्ड को क्रिएट करोगे, आप सीधा इस जगह पर स्पॉन हो जाओगे। स्पॉन होने के बाद आपको ऊपर दिखे गए कोऑर्डिनेट्स पे टेलीपोर्ट कर जाना है, क्योंकि यहाँ थोड़ी ही दूरी पे है। स्पॉन करो होने के बाद आपको यहाँ पे सामने पिलेजर आउटपोस्ट दिखेगा। ये विलेज तो गया समझो। सो गाइस, ये पिलेजर आउटपोस्ट नहीं, इस विलेज की एक और खास बात है कि यहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट के साथ साथ आपको 3 ब्लैकस्मिथ के घर भी देखने को मिल जाएंगे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ओपी लूट है। और मैं आपको इन सभी के लूट को दिखाता हूँ। गाइस, ये मैं पहुंच चुका हूँ पहले ब्लैकस्मिथ के घर में, और आप देख सकते हो इसके चेस्ट में कितनी अच्छी लूट है। यहाँ पे आपको ऑब्सिडियन के साथ दो आयरन पिकेट्स देखने को मिल जाएंगे, और दूसरे वाले घर में आपको ऑब्सिडियन के साथ 2 आयरन के स्वॉर्ड भी मिल जाएंगी। और गाइस, तीसरे वाले ब्लैकस्मिथ के पास कुछ ज़्यादा ही ओपी लूट है। आप यहाँ पे 3 डायमंड्स देख सकते हैं, और आप इन डायमंड से अपने लिए डायमंड के पिकेक्स बना सकते हैं। सो गाइस, इस विलेज से थोड़ी ही दूरी पे ऊपर दिए गए कोऑर्डिनेट्स पे आपको एक और विलेज देखने को मिल जाएगा। और गाइस, ये विलेज छोटा सा ही है, और यहाँ पर आपको कुछ खास लूट देखने को नहीं मिलेगा। और आप जैसे ही इन कोऑर्डिनेट्स पे यहाँ पे डिग करना स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पे एक एंड पोर्टल मिलेगा। और गाइस, ये सीट स्पीड रनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गाइस, आप ये देख सकते हो मुझे एंड पोर्टल भी मिल चुका है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली सीट की तरफ, सीट नंबर 3। तो गाइस, ये रही हमारी तीसरी सीड। और जैसे ही आप इस सीड में वर्ल्ड क्रिएट करोगे, आप सीधा यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। स्पॉन होने के बाद आप जहाँ पे स्पॉन हुए थे, वहाँ से आपको पीछे की तरफ जाना है। और जैसे ही आप पीछे जाओगे, आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कोरल रीफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको लश केव भी देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी के पास में आपको मैसा बायोम भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैसा बायोम कितना ज़्यादा रेयर बायोम है। और गाइस, आप यहाँ पे लश केव के तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे और गहरा एक केव भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही गहरा केव है, और आप केव से डायमंड्स भी ले सकते हैं। गाइस, आप देखिए ये कितना ज़्यादा औसम लग रहा है देखने में। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतनी ही सीट्स हैं, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज़्यादा अच्छे और औसम सीट्स बताने की कोशिश करूँगा। और गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए।